स्वागत है आपका आपकी अपनी स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की संस्कृत निधि एकादश पाठ गणतंत्र दिवस समारोह। ये हम लोग कल पढ़े थे लुट लकार, और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है अभ्यास। ये पांचवा प्रश्न आपका, देखिए क्या है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अधोलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अधोलिखित, अधोलिखित मतलब अध लिखत, नीचे लिखे हुए क्रियापदों के धातु लकार और पुरुष और वचन को लिखो। ये लिखत क्या है आपका, लोट लकार में है, ठीक है, लिखो, आदेश दे रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी धातु हैं, गमिष्यति गम धातु का लट लकार क्या हुआ, लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और एक वचन है। इसी तरह से आपको भविष्यति में लिखना है, भू मूल धातु है आपकी, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और फिर आपका आता है पठिष्यति, पठिष्यति में पट मूल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। नी में नी, निष्यति निष्यन्ति में नी मूल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, चित्र निर्माणम कुरुत, इन पर आप चित्र बनाइए जो आप स्वतः करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्पम, इन पर आपको चित्र बनाना है। और फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है आपका, अधोलिखित पदानी प्रयोज्य वाक्य रचनाम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों को प्रयोग करके, प्रयोज्य मतलब प्रयोग करके वाक्य रचनाओं को करिए। कुरुत में आपका लोट लकार हुआ है। तो देखिए क्या है, समारोह, श्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति, एक उदाहरण देखे के समझा दिए हैं, अब आपको स्वतः करना है। तो देखिए हमने इसी बुक में ही आपको सॉल्व कर दिया ताकि आपको ज़्यादा सुविधा रहे। जैसे है अध्यापकः, तो अध्यापकः में क्या है आपका, अध्यापकः, वयम अध्यापकं सम्मानं कुर्याम, हम लोग अध्यापक का सम्मान करें, ठीक है, कुर्याम, विधिलिंग लकार में हमने कुर्याम बनाया है। ध्वजारोहणम गणतंत्र दिवस में, ध्वजारोहणम गणतंत्र दिवसे विद्यालयेषु ध्वजारोहणम भवति, गणतंत्र दिवस से विद्यालयेषु ध्वजारोहणम भवति, गणतंत्र दिवस में विद्यालयों में ध्वजारोहणम होता है। भारतीय गणतंत्र दिवसे सर्वे भारतीयाः सम्मिलिताः भवन्ति, ठीक है। तो गणतंत्र ध्वजारोहणम और भारतीयाः, फिर उसके बाद आपका आता है अध्यापक, ये तीन पर जो है क्या किया गया है, वाक्य की रचना की गई है जो हमने स्वतः बनाया, आप और भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ठीक है, अब ये देखिए क्या है, एक और है ये, जो इसको देख लीजिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, जननी जो होती है माता होती है, जन्मभूमि और स्वर्ग स्वर्ग दोनों में गरिमा युक्त होती है, ठीक है। तो ये अभ्यास आपका यहीं पर संपूर्ण होता है, और इसको आप लोग कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में वो अगले चैप्टर के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद द्वादश पाठ के साथ में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।